मैपल लीफ की वाइट सीमेंट बेस HT पट्टी। जब बेस ही ना हो स्ट्रॉन्ग तो सब कुछ होगा रॉन्ग। अस्सलाम वालेकुम जी, इट्स मी अज़ीम विक्की। आप देख रहे हैं अज़ीम विक्की ऑफिशियल और हम इस वक्त मौजूद हैं नाज़ थिएटर लाहौर में, जहाँ पे आफ्टर शो की कामयाबी की खुशी में हमारे जो प्रोड्यूसर हैं सैयद मोहम्मद यूसुफ साहब, उन्होंने एक टिक्का पार्टी दी है और साथ में निकलने का पार्टी दी है। तो उस पार्टी के सिलसिले में जनाब सब लोग आप देख रहे होंगे गहमा गहमी हो रही है। इतना जी कि मेरे कैमरा मैन दिखाया था, ये टिक्का लग रहा है जी यहाँ पे और काफ़ी तिक्खा लग रहा है। ये देखें जरा, ये आग जल रही यार, थले मेरे वर्ग के कोले भी पे और वो टिक्का पार्टी जरा टिक्के मारना जी। वो देखें जी टिक्का माशाल्लाह कम अज कम 9 साल का टिक्का है, चंगा बोला तगड़ा बड़ा है जी। एक टिक्का होता ना बिल्कुल जरा अपना 6 महीने का छोटा जहा, लेकिन ये तगड़े टिक्के लग रहे हैं जी यहाँ पे। और अभी आर्टिस्ट राज जब ये पार्टी शुरू होगी तो टिक्का जो है कि बिल्कुल निकल निकल हो जाएगा, बिल्कुल नजर नहीं आएगा, क्योंकि माशाल्लाह इनके खाने की जो स्पीड है वो 140 से ज्यादा है। खाने के मामले में ये शुएब अख्तर नजर आ रहे हैं जी, अभी आपको फील हो जाएगा कि कितनी स्पीड से खाते हैं। और ये हमारे जी अपना अदर लोधी, आपने सुने होंगे बल्कि देखे होंगे, PTV में होते थे, टीवी पे होते हैं, न्यूज कास्टर थे। ये जुवेल लोधी साहब है हमारे मोस्ट सीनियर मेकअप मैन। नहीं नहीं, वो होते थे टीवी पे, मैं अपने घर होता हूँ। हाँ, उनका होल्ड टीवी पे था, इनका होल्ड बीवी पे है। तो ये जवेद लोधी साहब सरादे चीते ते टिक्के खाना आयो? नहीं, आगे से करना आपको मिलने आए। अरे अरे नहीं भाई जी, ये हमारे नहीं भाई, अल्लाह इनको जिंदगी दे। ये टिक्का पार्टी नहीं भाई की एफर्ट से होती है, जब भी होती है, और इनके बनाए हुए टिक्के हम जब यहाँ से खा लेते हैं ना, फिर हम कहीं से नहीं खाते। और ले भाई सुनाए तभी ठीक है जी। और आए आपको दिखाते हैं, इससे आगे भी कुछ लोग मौजूद हैं बल्कि मसरूफ़ हैं, बल्कि यहाँ है हमारी एक आर्टिस्ट है यहाँ पे साइमा चौधरी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी आप? ठीक है जी? मैं ठीक हूँ, आप सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसी लग रही है ये टिक्का पार्टी जो भी शुरू नहीं हुई? हाँ, बहुत अच्छा आ रहा है, मजा आ रहा है। अभी तो बन रही है, अभी कहाँ बन रही है, अभी बन रही है, वो टिक्के बन रहे हैं, पार्टी बन रही है। मैं क्या जल्दी जल्दी खाए, मुझे इतनी भूख लगी हुई है। हाँ हाँ ना, तो मजा आ रहा है पार्टी का। अभी चलते हैं, देख चलते वहाँ से हम पकड़ते हैं। साइमा की ज्यादा भूख लगी है तो मैं आज आए जी, आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं थोड़ा माहौल और भी गहमा गहमी चल रही वहाँ पे। परले पास लगता है हॉस्पिटल की इमरजेंसी है, काफी आवाज आ रही है। ये देखिए ये कच्चे, कितनी मुझे भूख लगी है, किस किस्म की भूख लगी। तो ये कच्चा खा लेंगे आप? नहीं, हाँ खुशबू कितनी प्यारी आ रही है, आप है ना? नहीं, ये टिक्का टिक्का गुलाब का है। मसाले की खुशबू आ रही है, आपको नहीं पता चल रहा जी? मसाले की खुशबू आ रही है जी, मसाला वाकई बड़ा मजे का बना रहा है। छिटे छिटे पका लो, भूख लगी है, भूख लगी है, आ जाओ हम जाके इसको वापस। ओके ओके, नहीं वापस तो नहीं है, आके आए जी, आपको लेके चलते हैं जरा हॉस्पिटल इमरजेंसी, सॉरी लड्डू पिट्ठी। हम लड्डू पिट्ठी के पास आए जी, लड्डू पिट्ठी के पास आ जाए। अरे अब अच्छा जी, आपको लग रहा होगा कि ये लोग जाएंगे ये रेडी का पता लेने आए, लेकिन यहाँ पे एक होते लड्डू शादी वाले, एक होते मंगनी वाले, ये लड्डू पिट्ठी वाले हैं जी। ये हमारे मेकअप मैन जी, मेरा भाई छोटा, मेरा शहजादा चीता बब्बर शेर, डेंजरस करंट। करंट तो होता है डेंजरस है, लेकिन ये उससे भी खतरनाक जी। कैसी लग रही पार्टी तुम जी? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बड़ा अच्छा इंतजाम है, शो साडा माशाल्लाह जी बड़ा अच्छा गया। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। की कहोगे सारे शो के बारे जी, कामयाबी के बारे जी? मैं तो सब कुछ यही कहूंगा कि मेरी आपके लिए बहुत सारी गुड विशेस, मालिक सबको सलामत रखे, से तंदुरुस्ती दे और ज्यादा से ज्यादा इज्जत दे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया रंजीत भाई जी, थैंक यू। और ये यहाँ पे जी लड्डू पिट्ठी वाला ये चल रहा है, ये देखे पहचान दो प्लेट हल्की जी, तेरे सामने जरा लड्डू पिट्ठी वाले चल रहे आओ ना, दे भाई ऐसे रौला पिया जरा, बड़ी मुश्किल इतने ना ए, ऐ देखो सैमा पकड़ो यार, चम्मच एक और देते जी, स्पून कर स्पून कर। ये जी लड्डू पिट्ठी वाला चल रहा है यहाँ पे, ये देखिए कितना मजा आ रहा है। और ये खाने जितने खाने सब मेरे फ्रेंड्स आ गए, इसकी जो रेसिपी है वो सैमा चौधरी बनाती है हर दफा लड्डू पिट्ठी वाले की।
बहुत मजे आ रहे हैं। क्या बात, दादा दादा गरम गरम लड्डू पिठी वाले जी, लड्डू पिठी वाले, लड्डू पिठी वाले किन्नी कह रहे हॉस्पिटल एमरजेंसी लग रही माशाल्लाह लग रहा रेड़ी का पता लेना इन्हें सर्वे को। और ये देखे नाजरीन आप फ्रीन भाई किसी तारफ की मुताज नहीं है और हम उस वक्त टिका पार्टी और लड्डू पिट्ठी पार्टी इंजॉय कर रहे थे तो आफरीन जी नजर आई है अमेरिका इनके व्यूज लूँ कि आज हमारे कामयाब ड्रामे की खुशी में आज हमारा फर्स्ट शो था राज थिएटर लाहौर में और इतना सक्सेसफुल शो गया है, इतनी खुशी हुई हमें ये देख के और हमारे जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने हमें इस खुशी में बेहतरीन पार्टी दी है। तो आफरीन जी क्या कहेंगे इस बारे में आप? सबसे पहले ये कहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा ही शुक्र है, बहुत करम है, बेइंतहा शुक्र है, लातादाद शुक्र है सैयद बादशाह के भी करम से जिनकी अल्हम्दुलिल्लाह मज़ार यहाँ पर मौजूद है कि अल्लाह पाक ने हमें इतनी इज्जत बख्शी की जितनी हम सोच भी नहीं सकते थे और इतनी मोहब्बत इतना प्यार पब्लिक का देख कर यकीन जाने कि मैं बेहद खुश हूँ और मुझे आज डे वन का रिजल्ट ये बता रहा है कि आने वाले दिनों में नाज थिएटर कहाँ खड़ा होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह पूरी टीम का किरदार है इसमें और यूसुफ साहब को बहुत बहुत मुबारक हो मेरी जानिब से, डॉक्टर साहब को भी बहुत बहुत मुबारक हो और पूरी कास्ट को मेरी तरफ से बहुत मुबारक हो कि अल्लाह ताला ने आपको बेहद इज्जत बख्शी है और मैं ये चाहती हूँ कि इसी तरह हम दुआ गो रहे अल्लाह ताला के हुजूर और इसी तरह झुककर अपना काम करें और सिर्फ अपना काम करें। मेरा ख्याल है कि जब आप अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं बजाय इसके कि आप किसी और जगह पे ध्यान दें या दूसरों पे ध्यान दें तो मेरे ख्याल अल्लाह पाक आपको और इज्जत से नवाजता है। तो जहाँ पे भी आप मेहनत और लगन से काम करेंगे तो वहाँ पे आपको रिजल्ट इसी सूरत का मिलेगा। बेशक नो डाउट अबाउट दैट के अगर आपकी नीयत साफ है तो आपको रिजल्ट इसी तरह का ही मिलेगा। तो पार्टी एंजॉय कर रही है जी, मैं मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। आज हमारे प्रोड्यूसर ने हमें पार्टी दी है, टिक्का पार्टी भी है, लड्डू पार्टी भी है और जलेबी पार्टी भी है। तो सारे बहुत ऊपर से सर्दी है, सर्दी में ये तमाम जो लवाजमात है मेरे ख्याल सर्दी के मोस्ट फेवरेट होते हैं। और तो सबको बड़ा, अभी लड्डू मैं खा चुकी हूँ, अभी मैं टिक्कों की तरफ जा रही हूँ, उसके बाद मैं जलेबी खाऊंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू। और कुछ लोगों के पास मुखबरी हुई है, मूंगफली भी है तो वो छुप छुप के फिर रहे हैं जरा, वो भी निकलवाते हैं इंशाल्लाह उनसे। आपने खाने में अरे जी अपना नवादना कट चटपट नटखट हीर जट कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक। आप पार्टी एंजॉय कर रहे हो बेहतरीन? बहुत ज्यादा, अभी मैंने लड्डू पिठियां खाई हैं। लड्डू पिठियां वाले लड्डू पीठी वाले? हाँ, तो अभी हमने टिक्के भी खाने हैं। टिक्कों पे हमला करने का प्लान है? सब साहब ने इतनी अच्छी पार्टी रखी है हमें, क्या उसका नाम है, ड्रामे के बाद बहुत ज्यादा भूख लग गई और हमने मेहनत बहुत ज्यादा की है जिसके बाद हमें भूख लगी, उनको हमारा एहसास हुआ, उन्होंने हमारे लिए पार्टी रखी और हम लोग खाएंगे अब। और व्यूअर्स मैं आपको बताता जाऊँगी आज के शो में हीर जट ने बेहतरीन रोल किया है, इतना आला परफॉर्म किया है कि मैं बता नहीं सकता, उसमें कोई शक नहीं। मैंने कपड़े पहने हैं उसमें, इतनी ज्यादा मैंने ज्वेलरी पहनी है प्रॉपर, मैं वो क्या नाम है उसका, हम क्या बनी हुई हूँ मैं? नहीं आप तो हिजड़ बनी है क्या? ड्रामे में कुछ और बनी हुई हूँ। हाँ, ड्रामे में वो ना सरदार की बहन का रोल करनी है आप? हाँ जी, और हम लोग बड़ा अच्छा जो है ना चोलिस्तान के हम लोग गेटअप किए हमने। खैर ये नहीं बताते होते, आप लोग आएंगे ना जब हमारा ड्रामा देखने तब आप लोगों को पता चलेगा। सस्पेंस है। ओके, ये सस्पेंस। तो पार्टी कैसी लगी आपको आज? हमें पार्टी जो है बड़ी मजे की लगी है। अभी आप खाने तो दें, अभी मैं जो खाऊंगी तो अभी इन्होंने 5 लड्डू खा के स्टार्ट लिया है और अभी टिक्कों पे। नहीं मैंने एक लड्डू खाया, ऐसा सड़ा हुआ था। देखा, सड़ा हुआ पहले खाती है ताकि फ्रेश बच जाए। बड़ी वेरी फनी, इस गलते हंसना सी नहीं रोना था। तो हीर जट आए, फिर टिक्कों की तरफ चलते हैं जी, आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि हम चुलो के वहाँ पे पहुँच चुके हैं और वो टिक्कों के कातल बन चुके हैं वहाँ पे जी जी। तो यदि हीर जट हमारे साथ, थैंक यू सो मच, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और एक शो स्पेशल इंटरव्यू आपका इंशाल्लाह एक दो दिनों में करेंगे। ओके बाय बाय। अपना शो आज कैसा रहा जी ताड़ी नजर से? नाज थिएटर च अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा शो रहा है। हाँ। जिस आगे डॉक्टर साहब ने मेहनत की है पिछले ड्रामे दे विच, बेशक बेशक, उसने ही उस तो ज्यादा उन्होंने आज मेहनत की है तो बहुत अच्छा शो, सारिया लड़कियां ने बहुत अच्छा काम, सारे एक्टरों का बमा ताडा एडा कच्छा, जिहड़ा जिहड़ा बंदा बाहर निकला मैं पूछिया, मैं यार कैसा शो, कोई कह रहा है
विकी साहब का बहुत सारा रोल है, कोई कह रहा है रजी का बहुत सारा, यानी कहने का मतलब सारे का एडा अच्छा काम होया तो बड़ा मजा आया। अल्लाह ताला इस तरह इज्जत दे, तुहानू दे, डॉक्टर साहब दे, सारे स्टाफ नू, सारा कुछ भरावान दी दुआवां नाल ही जी, तुहाडीआं दुआवां साडे नाल ने, ते अलहमदुलिल्लाह असीं इत्थे वी कामयाबी दे झंडे गाड़ांगे। जिहड़ा तुहानू ते मेरी तुहाडी आवाज़ सुनदा पिआ उह वी कहेगा कि यार वाकई कि तुसीं अच्छा काम करदे हो, डॉक्टर साहब बहुत अच्छा काम करदे ने, पिछले ड्रामे डॉक्टर साहब दे बहुत अच्छे गए ने, इंशाल्लाह इत्थे वी अल्लाह इज्जत देगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया भाई जी। व्यूअर्स इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मेरा शहजादा, मेरा हीरो, मेरा विलन, मेरा वर्स्ट स्टाइल आर्टिस्ट तौकीर ज़ैदी, मैंने इसका नाम रखा हुआ है, ये मेरा क्या उसको कहते हैं और की थी है तौकीर नासिर कहता हूँ मैं इसको, तौकीर नासिर साहब को मैं ज़्यादा खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है अपने जॉनरे में, जहाँ भी इसको कहीं मौका मिलता है ये रोल परफॉर्म करके बताता है कि जी मैं डिज़र्व करता हूँ। तौकीर कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम विकी भाई, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हारी दुआएं अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू वेरी मच। तो आज के ड्रामे के बारे में क्या कहोगे, जो हमारा ये सक्सेसफुल शो माशाल्लाह आज पहला शो था, फर्स्ट शो था हमारा नाज थिएटर में, नाज थिएटर में गांव की गोरी, डॉक्टर साहब का ये सब्जेक्ट जो चोलिस्तान की स्टोरी थी, मैंने फर्स्ट टाइम किया है और बहुत मजा आया, एक चैलेंजिंग रोल था सबके लिए, बल्कि आपके लिए, मैंने भी आपको फर्स्ट टाइम ऐसे कैरेक्टर में देखा है, बिल्कुल, और मेरे लिए भी चैलेंजिंग था, तो बड़ा मजा आया करके, और शुक्र अल्लाह का बड़ा अच्छा गया, ऑडियंस का रिस्पांस बड़ा अच्छा था माशाल्लाह, बहुत अच्छा, नो और डायरेक्टर साहब ने भी पूरी टीम को जो है वो अच्छा रिस्पांस दिया है कि वेल डन। तो बाकी ये है कि डॉक्टर साहब के साथ काम कर रहे हैं और आप जैसे सीनियर साथ हैं तो हमें सीखने का मौका मिलता है, तो बस वो बकअप और सपोर्ट आपकी होती है तो हम भी थोड़ा थोड़ा अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नहीं, तुम वाकई माशाल्लाह बड़ा अच्छा रोल तुमने इस प्ले में भी साबित किया कि माशाल्लाह ये रोल तुम्हारा ही था। थैंक यू वेरी मच। तो टिका पार्टी एंजॉय कर रहे हो किस हद तक? क्योंकि तीन चार लड्डू तो नहीं, भुख लगी थी, तीन रुपए का बाजरा लवे थे तभी तो लंघ जाते, फिर भुख लगी भाजी, मेरा दिल कर पाउंदा क्या जरा? हां जी मेरा दिल कर पाउंदा बहुत जी, ये तो भाजी दिल कर पाउंदा, टिका पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, और बसी बचाया मेरे उत्ते, उन्होंने पांच छह टिके लाते सन, ये मैं टिकियां दे विचों खिचया, मेरे ब्राउन लगे सी, मैं फिर परे परे हो गया जी, परे परे हो गया। थैंक यू यार तौकीर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू भाई फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सही जी ठीक हो? हां जी अल्लाह का शुक्र सर। तू भी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। कैसा लगा ड्रामा आज वाला तेनू? माशाल्लाह सर बहुत मजा आ रहा है, माशाल्लाह बहुत एंजॉय हो रहा है, माशाल्लाह टिके लड्डू, लड्डू पिठियां ते नाल पिठी वाले, जलेबियां भी नाल, जलेबियां भी नाल, भरपूर माशाल्लाह बड़ी बात, शुभे मानी, अच्छा जी यार अल्लाह पाक खुश रखे, सलामत है मेरे आर्टिस्ट, मेरे भाई भी ने, जींदे रहो जींदे रहो, बहुत प्यार करन वाले, आ भाई बाबू सिंगड़ा पाणा दे, आ भाई बाबू, थैंक यू भाईजान जी। ये मेरे ड्रामे का विलन, इसको मैं प्यार से कहता हूं बोल बच्चन, तो बाबू बच्चन इसका नाम है, हमारा छोटा भाई है, न्यू कमर है, जूनियर आर्टिस्ट है, लेकिन बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है अपने काम का, क्या उसको कहते हैं, की कहते हैं क्या, कैसा लगा तुम्हें इस ड्रामे में अपना रोल? मुझे इस ड्रामे में अपना रोल बहुत अच्छा लगा, हाँ। मुझे परफॉर्म करके आपके साथ खास करके बहुत मजा आया, क्योंकि मेरी जो एंट्री थी वो आपके साथ थी, बिल्कुल, और उसमें मुझे बहुत मजा आया परफॉर्म करके आप। नहीं बेटा, तुमने अपना रोल निभाया भी बहुत अच्छा, बड़े अच्छे तरीके से, अल्लाह तुम्हें और इज्जत दे, मेहनत करो, लगन के साथ कर, लगे रहो इंशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें बहुत ज्यादा कामयाब करे, आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी। व्यूअर्स, तो मेरा ख्याल है कि अब टिकों पे हमला करने का वक्त हो चुका है, तो इससे पहले कि आप हमें देखें कि हम किस किस्म का बुरे तरीके से खाते हैं, इंशाल्लाह मुलाकात होती है बड़ी जल्द आपसे, इजाज़त चाहूँगा आप लोगों से, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। डंगर है, की कर रहे हैं लंगर?